हमीरपुर पुलिस ने नशीले पदार्थ की सबसे बड़ी खेप को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने हमीरपुर के बोटा के समीप जिराड़ी कस्बे में इनोवा गाड़ी की तलाशी के दौरान दो युवकों से 320 ग्राम हीरोइन बरामद की है। हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ आंकी जा रही है, जबकि भारतीय बाजार में 25 लाख से ज्यादा है। और ये हीरोइन बड़ी खेप छोटे छोटे कस्बों में वितरित करने के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। एसपी कार्तिकेन गोकुल चंद्रन के अनुसार दोनों युवक पहले भी कई एनडीपीएस मामलों में संलिप्त पाए गए हैं और पुलिस काफी दिनों से इन युवकों पर नजर रखे हुए थी। एसपी कार्तिकेन गोकुल चंद्रन ने बताया कि हीरोइन समेत पकड़े गए दोनों युवक हमीरपुर जिला के रहने वाले हैं और एक युवक शिवम पटियाल उम्र 23 साल निवासी मोहिंग गांव, जबकि दूसरा सतीश कुमार उम्र 43 निवासी झांडी गांव का रहने वाला है। शिवम पटियाल ने पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिक्षा ग्रहण करने के बाद डीजे का काम करता है और दूसरा युवक सतीश कुमार पहले ट्रक ड्राइवर था और अब निजी गाड़ी में चालक का काम करता है। ये दोनों काफी समय से नशे के कारोबार में संलिप्त थे और पुलिस को इनकी तलाश थी, जिसके चलते ही आज पुलिस ने सूचना मिलने पर 320 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि दोनों युवकों पर एनडीपीएस एक्ट 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आज हमीरपुर जिला ने काफी दिनों के मेहनत के बाद एक अच्छी सफलता पाई है। उन्होंने 320 ग्राम का हेरोइन हमने हमीरपुर जिला पुलिस ने पकड़ा है और इस केस को सदर पीएस में हमने रजिस्टर किया है। सेक्शन 21 एंड सेक्शन 29 ऑफ एनडीपीएस के एक्ट के अनुसार रजिस्टर हुआ है और इसमें दो अक्यूज्ड गिरफ्तार हुए हैं। एक है शिवम पटियाल और दूसरा है सतीश कुमार। सतीश कुमार का उम्र है तकरीबन 43 और शिवम पटियाल का उम्र है तकरीबन 23। और ये दोनों अक्यूज जो गिरफ्तार हुए, ये इसके पहले भी इनके खिलाफ एक दो केसेस हैं और यही इसका ब्रीफ डिटेल्स है। हाँ जी, अभी जैसे ही हम इन्वेस्टिगेट करेंगे उसका डिटेल्स निकालेंगे और उसको रिकॉर्ड पे भी हम लाएंगे, तो हम जल्द अगले ब्रीफिंग में आपको देखिए। इसमें हमारा पुलिस टीम वो पेट्रोलिंग पे थे और उस समय हमने ये सदर पुलिस स्टेशन के इलाके में ही हमने ये कैच किया था जी। दोनों, एक तो है हमीरपुर का इस झांडी विलेज का है सतीश कुमार ना, और शिवम पटियाल है अपना मोहिन। एक तो अपने अपना पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ता है जो कम उम्र का था, 23 उम्र का लड़का है। दूसरा मेरे को लगता है उसका कोई जॉब नहीं है। देखिए ऐसा है कि ये बाहर प्रदेश से इन्होंने लाया था ये, और इसको बेसिकली यहाँ पर छोटे छोटे हिस्सों में ये डिवाइड करके यहाँ पर सप्लाई करने का इनका इरादा था और पहले भी ये ऐसे ही काम करते आ रहे थे। और ये बेसिकली जब सप्लाई करते हैं तो काफ़ी यहाँ पर लोकल कंज्यूमर्स होते हैं, छोटे छोटे लड़के, कॉलेज के पढ़ने वाले लड़के, उनको सप्लाई करने का इरादा था। एसपी कार्तिकेन गोकुल चंद्रन ने बताया कि हमीरपुर पुलिस ने गत 10 वर्षों में सबसे बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ की खेप को पकड़ा है और पुलिस द्वारा पकड़ी गई खेप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ आंकी जा रही है, जबकि भारतीय बाजार में 25 लाख से ज्यादा है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कैचेस है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा सबसे ज्यादा है, परंतु हमीरपुर जिला में पिछले मेरे को लगता है 10 सालों में जो भी डिटेल्स हमने देखा ये सबसे लार्ज, सबसे बड़ा है। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में तो इसका कीमत काफ़ी ज़्यादा है, मेरे को लगता है इसको 1 करोड़ से ऊपर भी होगा, परंतु लोकल मार्केट में इसका कीमत है, बड़े शहरों में ज़्यादा है, छोटे शहरों में कम है, या उस हिसाब से तो तकरीबन 7000 के आसपास 1 ग्राम का माना जाता है बेसिक स्टार्टिंग रेट होता है। ऑफकोर्स वो क्वालिटी पर भी डिपेंड होता है कि आगे ऊपर नीचे भी होता है, परंतु इस चीज़ को अभी और इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन डेप्थ में जाएंगे, हम ये पता करेंगे इन्होंने कहाँ से प्रोक्योर किया था, किससे प्रोक्योर किया था, और फिर ये कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे, कौन से माध्यम से ये ले आए, ये पूरी तरह से हम इस चीज़ का जांच करेंगे और उस हिसाब से हम। हाँ जी, अपने खुद के गाड़ी में ला रहे थे, उनका एक गाड़ी नंबर कोई बता, उनका एक इनोवा गाड़ी था, गाड़ी नंबर वैसे तो केस में है पूरा डिटेल्स, परंतु इनोवा गाड़ी था उनका।